मुझे सब बड़े बड़े हैं सेट पे, आप मरवाओगे मुझे। पर किसी ने कोई जोक मार दिया या लाइंस बोलते बोलते कोई फंबल कर गया और कुछ ऐसी जगह पे जब पे हंसी आ रही है, फिर तो मतलब हंसी भुक्कड़ नहीं कह सकती, पर मोहन जी खाने के बहुत शौकीन है। मोहन जी मेरी प्रॉब्लम है यार, इफ आई स्टार्ट लाफिंग नो देन आई कांट कंट्रोल इट, नॉर एनीबडी एल्स कैन स्टॉप मी। तो एक बार क्या हो गया था, हाय एवरीबॉडी, दिस इज निहारिका रॉय एंड टुडे आई एम डूइंग अ पोल खुल सेगमेंट विद टेली मसाला। चबी सर, अभी मैं उनके साथ रील करके आई हूँ और मैं खुद रील करते करते थक गई, बट उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि थक गया हूँ यार। तो एक्टिव का टैग होना है आई थिंक। जब हम बहुत बहुत दिन शूट करते हैं बिना छुट्टी के करते तो सब हो जाते हैं, तो मैं किसी एक को नहीं बोलूँगी। भुक्कड़ नहीं कह सकती, पर मोहन जी खाने के बहुत शौकीन है। मोहन जी फिर युग भी, दोनों बहुत खाने के शौकीन है। कामचोर तो कोई नहीं हमारे सेट पे, कोई भी नहीं है। मैं हमेशा हंसती रहती, आई थिंक सभी हंसते हैं पर मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, इसलिए मुझे मेरे डायरेक्टर ने मुझे एक दिन, मैं क्योंकि एक बार मेरी प्रॉब्लम है यार, इफ़ आई स्टार्ट लाफिंग नो देन आई कांट कंट्रोल इट, नॉर एनीबडी एल्स कैन स्टॉप मी। तो एक बार क्या हो गया था कि मैं सीन कर रही थी और फिर मैं हंस पड़ी, और फिर मैं ऐसे हंस पड़ी कि फिर चाहे मुझे डांट भी पड़ जाए ना तो मैं रुक नहीं रही थी। तो फिर मेरे डायरेक्टर ने कहा कि अब से जो भी हंसेगा ना, तीन बार जो भी हंसेगा उसे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, तो फिर मुझे आइसक्रीम भी खिलानी पड़ी थी। तो मैं ज़्यादा हंस देती हूँ, आप मरवाओगे मुझे। मुझे सब बड़े बड़े हैं सेट पे, मेरे एज का हो तो पहले बताती, नहीं तो बड़े से मार खाना बहुत हो जाता है। तो कोई नहीं, मैं नहीं बता रही इसका आंसर, नो कमेंट्स। मोहन जी जो हैं उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके वैनिटी के पास ना उन्होंने एक छोटा सा किचन भी बनाया हुआ है, तो जब उनका मन करता है ना तो वहाँ पर बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। मेनली तो वो चिकन बनाते हैं, पर उनका वैसे है तो वहाँ पे उनको जो भी खाना होता है वहाँ बना लेते हैं, तो मुझे पता है। और बाकी तो जब मन करता है हमें पार्टी वार्टी करने का, तो हम तो एकदम सब ग्रुप में ऐसे मंगवा लेते हैं, फिर करते हैं हम पार्टी। वैसे मैं एक बात बताना चाहूँगी, लोगों को लगता है कि जो लोग सोते हैं ना वो बहुत लेज़ी होते हैं या उनके अंदर वो लेथार्जिक फील करते हैं, वैसा कुछ है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आजकल के टाइम पे, आज के इस टाइम पे जो मैं बोलूँगी कि जो लोग ज़्यादा सो पाते हैं, वो भी चैन की नींद जो सो पाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान होंगे। क्योंकि आज की इतनी बिजी, इतनी टेंशन वाली लाइफ में ना, 5 घंटे की नींद आराम से मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग अच्छे से सो पाते हैं ना, उनको वैसे ही रहने देते हैं, उनको 12-13 जितने भी घंटे की नींद चैन से वो उनको मिलती है ना, उनको लेने देते हैं। वैसे मैं कहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा सोना पसंद करती हूँ, इसलिए बताना ज़रूरी था। हाँ जी, ताकि कोई जज ना करे ना, बट नहीं, ये एक्चुअली पॉइंट है। आज के टाइम पे ना बहुत लोग नहीं सो पाते, उनको बीमारियाँ हो रही हैं, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें। तो फिर मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ। टच वुड जब शॉर्ट हो जाता है ना सबका, तो पहले सब फ़ोन पे रहते हैं, फिर उसमें से अगर कोई एक बोलता है ना कि अरे यार क्या फ़ोन पे रहना है, चलो बातें करते हैं, कोई गेम करते हैं, तो सब फ़ोन रख देते हैं। तो जब तक कोई ये टॉपिक नहीं उठाता या कोई बात करने के लिए कुछ नहीं कोई टॉपिक निकालता ना, तब सब फ़ोन पे रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। तभी तो मेरे इंस्टा के फैंस, जितने भी ऑडियंस है, वो देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा गाना मुझे आजकल ज़्यादा पसंद है, किस पे कौन से गाने से मुझे प्यार है, ये सारी चीज़ें उनको बतानी तो पड़ती है। सबको। अभी मोहन जी भाग गए घर, अभी मैं, युग और पूनम जी हम एक दूसरे का फेस देखेंगे और बोलेंगे अभी 2 घंटे बाकी है, अभी 1 घंटा बाकी है। मैं पता है क्या करती हूँ, अभी जैसे हमारी नॉर्मली 7 की शिफ्ट होती है ना, तो जब एक बार ब्रेक ओवर हो जाता है ना, तो टाइम ऐसे ऐसे चला जाता है, तो ब्रेक ओवर होने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अब, क्योंकि हमारा रोल है ना 3:30 होता है जब ब्रेक हो जाता है उसके बाद, तो मैं आधा घंटा हटा देती हूँ, मैं 4 से काउंट करने लगती हूँ कि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और 3 घंटे फिर वैसे करके मैं खुश हो जाती हूँ। तो आपको पता चल ही गया होगा घर जाने की जल्दी किसको होती है। नहीं यार, हमारे यहाँ पे बहुत डेडिकेटेड एक्टर्स हैं, अपनी लाइंस करके आते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। पर हाँ, अगर एक बार किसी ने कोई जोक मार दिया या लाइंस बोलते बोलते कोई फंबल कर गया और कुछ ऐसी जगह पे जब पे हंसी आ रही है, फिर तो मतलब हंसी के ऐसे फवारे उड़ते हैं, देन नोबडी कैन स्टॉप।
themselves from laughing, तो इसलिए वैसे हम सभी वांट एक आर्टिस्ट हैं. खुद की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि कोई और करे ना करे खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए. खोली थोड़ी सी है, फिर बचा बचा के भी मैंने आंसर्स बोले हैं. मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बचा के बोला है, क्योंकि अगर पिटाई होती है तो बहुत बुरा लगता है. नहीं नहीं, जोक्स पार्ट नहीं, पर हमारे सेट पे सब टचवुड बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप इतने टाइम साथ में काम कर रहे होते हो, मजाक मस्ती ज़रूरी है और मिलजुल के रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अदरवाइज़ यू कांट वर्क हियर फॉर एंड दैट टू फॉर सो मेनी आवर्स, आप कैसे काम करोगे. तो हाँ, बहुत मज़ा आता है. और आप सब शो देखते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जो शो देखते हैं वहाँ से जो ऐसे क्लिप्स को काट काट के जो वीडियो बना के इंस्टा पे देते हैं, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है. जितना हो सकता है मैं उनको अपलोड करती रहती हूँ. तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू. आगे भी अगर मैं कुछ करूँ तो आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट देते रहिएगा. और मैं, मेरा जो काम है अभिनय करना, एक्टिंग करना, मैं उससे आप सबको, आप सबका दिल जीतने की हमेशा कोशिश करती रहूँगी. थैंक यू.